नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका शुभचिंतक संदीप। दोस्तों नागपुर में इतने बेहतरीन प्रदर्शनी है और आप आए नहीं। एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी परिसंवाद है जो 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में था, मिस है। अभी आज का थर्ड डे है, कल का लास्ट दिन है और मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ कि आप जो किसान भाई इस एग्जीबिशन में आया नहीं है तो वीडियो के थ्रू थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि कुछ यहाँ के जो हमारे प्रदर्शनी है वो आप दिखा सकूँ। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल यहाँ लगे हैं। अब सबसे बड़ा ये मध्य भारत का सबसे बड़ा ये कृषि प्रदर्शनी है जो हमारे प्रेरणा स्रोत नितिन जी गडकरी जी के माध्यम से यहाँ पर और ऑर्गेनाइज किया जाता है और शाम का समय है। बहुत बड़ी आज इतने लोग आए, लाखों की तादाद में लोग थे मॉर्निंग, क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी का समय था। और दोस्तों आपने आना चाहिए था। यदि कोई किसान भाई नहीं आया है तो कोशिश कीजिए कल आइए आप। बेहतरीन 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 ये प्रदर्शनी है मध्य भारत की, है ना। जैसे नागपुर में है, बड़ी बड़ी कंपनी ने यहाँ पर स्टॉल रखा डाला है अपना, जैसे धानों का हो गया, UPL हो गया। ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, समय की कमी है, शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूँ 3-4 मिनट का, तो देख पा रहे हैं। दिन भर भीड़ थी दोस्तों, दिन भर। अभी शाम का समय है, समय समाप्त हो गया है और एक RS एग्रोतार का भी यहाँ पर स्टॉल लगाया है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पर दोस्तों RS एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है और बेहतरीन प्रदर्शनी लगाए उन्होंने, बहुत अच्छा स्टॉल लगाए, देख पा रहे हो। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड रेड जापानी गोल्डन सीताफल देख पा रहे हो, ये ड्रैगन फ्रूट है सी वेराइटी का, ताइवान पिंक अमरूद है और ये आप एक डेमो भी देख पा रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया है यहाँ पर। तो आप यदि आते हैं तो स्टॉल को विजिट कीजिए। आज की तारीख में इस स्टॉल पे कम से कम 15,000 लोगों ने विजिट किया है सुबह से लेकर, और तीसरा दिन है अभी तक यहाँ पर 20,000 लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर लिस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत का हर किसान इस एग्जीबिशन में आए और इस स्टॉल को विजिट करें। दोस्तों RS एग्रोतार के माध्यम से भारत के किसानों को ये हाईटेक फार्मिंग के बारे में नॉलेज किया जाता है और टंकी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उनको आपके बगीचों को डेवलप करके देते हैं। इसके अलावा कंपनी एग्रो टूरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, रिसोर्ट बना के देना, अपना लैंडस्केपिंग करके देना, किचन गार्डनिंग करके देना, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, कुछ प्रोडक्ट भी हैं हमारे, 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक बेस पे काम करते हैं। किचन गार्डनिंग में देख पा रहे हो बेहतरीन यहाँ आलू यहाँ पर उगाया है और ड्रैगन फ्रूट को ज़्यादा हम बढ़ावा देते हैं। ये रेड जापानीज का पौधा है दोस्तों, देखो इस प्रकार का रेड जापानीज का पौधा होता है, इसके पत्ते देख के आप समझ जाओगे, है ना। डेमो के तौर पर रखा है, ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा रखा है और आप आइए, बेहतरीन ये प्रदर्शनी है। और नीचे में जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जो किसान भाई प्रदर्शन में आ नहीं सका वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो जाइए, फ़ोन पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके बगीचे को सक्सेस करके देंगे। दिखाना तो बहुत कुछ है क्योंकि समय की कमी है, समाप्त हो चुका है समय। तो दोस्तों आज इतना ही, कल कोशिश करते लाइव आने की कोशिश करते। मैं आपके खेती का डॉक्टर संदीप, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आपके लिए इतना रात दिन काम करते, थोड़ी सी तो दया कीजिए हमारे ऊपर। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार हमारे कोई चाहने वाले लोग भी है, तो हम लोग मेहनत करते जाएंगे करते जाएंगे, उसका कोई तो आउटपुट निकले। एटलीस्ट आपका आशीर्वाद, आपके सब्सक्राइबर, आपके शेयर, ये तो हमें कीजिए। तो दोस्तों मैं आपकी खेती का डॉक्टर संदीप विदा करना चाहता हूँ इस बेस एग्रोतार के प्रदर्शन के साथ में। नमस्कार।